अजमेर में किशनगढ़ क्षेत्र के मंसूरी जमात खाने में देर रात को फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया, जहां दूषित खाना खाने से शादी की दावत में शरीक हुए क्षेत्र के करीब 70 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के चलते शिकार हो गए। खाना खाने के बाद घर पहुंचे लोगों का जी मचलाना व उल्टी होने की शिकायत होने पर एक के बाद एक कई मरीजों का एक साथ अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि ऑन कॉल पर पहुंचे पीएमओ नरेश मित्तल और डिप्टी कंट्रोलर परसराम चौधरी और साथ ही डॉक्टर विनोद गोयल सहित डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज शुरू किया। मरीजों में पुरुषों की संख्या कहीं अधिक थी, वहीं करीब एक दर्जन से अधिक बच्चे भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। करीब 60 से अधिक मरीजों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेजा गया और शेष का उपचार लगातार जारी है। सूचना पर पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मरीज के अटेंडेंट ने या आकर के हमारे को बताया कि भाई हमारे को अचानक जी खराब हो रहा है, उल्टी दस्त जैसा हो रहा है, तो पूछने पता चला कि कोई दावत चल रही थी। दावत चलने के बाद खाना खाया इन लोगों ने, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद में इस तरह की स्थिति, सबको जी मचलाना, उल्टी होना। इसमें से स्पेशली बड़ों को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बड़े लोग तो मेडिसिन दी और रिलीफ आ गया उनको, और ऑब्जर्वेशन में भी रख लिया और 1-2 घंटे के लिए बोल दिया कि भाई अगर तकलीफ हो तो वापस आ जाना। लेकिन बच्चों को उल्टी ज़्यादा होने की वजह से पानी की कमी हुई है। दृष्टिया से ऐसा लग रहा है कि एक साथ खाना खाने के बाद हुआ, तो ऐसा महसूस हो रहा कि भाई खाने के अंदर या कोई चीज़ इस तरह की चली गई पेट में, जिसकी वजह से जो अपन कह सकते हैं फूड पॉइजनिंग की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।